देखिए, फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो रोक है उसके पीछे सिद्धांत समझिए क्या है, कि ऐसा ना हो कि देश की डेमोक्रेसी और चुनाव तंत्र को खराब करने के लिए विदेशी ताकतें पैसे का इस्तेमाल ना शुरू कर दें। कितने रुपए की बात हो रही है? 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए अगर आप यूएस डॉलर में देखोगे तो $8 लाख बनते हैं। बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें क्या 7 करोड़ रुपए की फंडिंग करेंगी, वो भी 2014 से लेकर 2022 तक, मतलब 8 साल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें जो देश को खत्म करना चाहती होंगी, वो 7 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देंगे? क्या मजाक है? ये सिर्फ एक मजाक है, और ये मजाक हर हर बार जब चुनाव होता है उससे पहले ये 3-4 दिन के लिए ये मजाक बनाया जाता है, टीवी पे अखबारों में चलाया जाता है, और फिर ये जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये चीजें भी खत्म हो जाती हैं, और फिर जो है अगले चुनाव में अगर आप देखोगे 2025 का जो चुनाव है उससे पहले दोबारा निकलेगी। कितनी बार इसके बारे में जांच आ चुकी है? 2014 या 15 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जो है सरकार ही कह चुकी है कि हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली, इसके अंदर कुछ नहीं आया। 2022 के चुनाव से पहले भी, पंजाब के चुनाव से पहले मामला उठा, तब होम मिनिस्टर ने कहा था, अमित शाह साहब ने, कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, तब उसके बाद कुछ निकला। अब तो हम 2024 में हैं। तो ये सिर्फ जो है एक बेकार के हवा बनाने की कोशिश करते हैं, मगर लोग अभी सब समझते हैं। कल स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया को लेकर टारगेट के लिए, एक तरह से उन्होंने कहा कि ये लोग झूठ फैला रहे हैं और तब तो मैं एक तरह से लॉसूट फाइल करूंगी, कोर्ट तक मामला लेके जाऊंगी। देखिए, ये तो अब कुछ महीनों में सामने आ जाएगा। अगर स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के अंदर रहती हैं तो सबको पता चल जाएगा ये आम आदमी पार्टी की थी, और अगर ये किसी और पार्टी के अंदर पहुंच जाती हैं, चाहे किन्हीं भी कारणों से पहुंचे, तो सबको सामने आएगा। दूसरी बात, ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा बहुत साल पहले स्वाति मालीवाल जी कहीं रात में एक मेन रोड पे खड़ी थी, और उसमें एक आदमी ने इनको अपनी कार में खींचने की कोशिश की। इन्होंने ट्वीट भी किया, वीडियो भी डाले। दिल्ली पुलिस ने कुछ किया? दिल्ली पुलिस ने SIT बनाई? दिल्ली पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा? कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी मजाक और बना रही थी, जितने भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आज बोल रहे हैं, सबने स्वाति मालीवाल का मजाक उड़ाया। आज इस मामले में रोज खबर आ रही है कि आज विभव कुमार को वहां ले जाएंगे, आज CM खर के घर जाएंगे, आज मुंबई लेके जाएंगे, आज SIT बना दी, एडिशनल कमिश्नर पुलिस जो है और 4-4 बड़े अफसर जो है बयान लेने स्वाति जी के घर जा रहे हैं। ये सब क्या है? 3 दिन बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर, उससे पहले पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक ये टीवी पे अखबारों में जो चल रहा है, क्या स्वाति जी को समझ में नहीं आ रहा? क्या वो राजनीति समझ नहीं रही है? ये सबको समझ में आ रहा है कि कौन करवा रहा है और किसको फायदा ये चीज देगी, और लोगों को भी समझ में आ रहा है। ऐसे लोग कोई बेवकूफ कोई ना है, सबको समझ में आ रहा है। बीजेपी के बड़े नेता भी इस मामले पे बोलने लगे हैं। कल श्रीमान साहब दिल्ली की रैली में उन्होंने कहा कि एक महिला राज्यसभा को घर में पीटा जा रहा है, क्या महिलाएं जिनके जो अपने घर में एक महिला सांसद की पिटाई करा सकते हैं, क्या उनके शासन में दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? जेपी नड्डा ने सवाल उठाया कि किस सिर की खामोशी डबल स्टैंडर्ड दिखाती है। एक आरोप है मुख्यमंत्री के सचिव पर लड़ाई झगड़े का, ठीक है, वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, मगर दूसरा आरोप है देश के लिए ओलंपिक जीतने वाली हमारी बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद पे लगाया कि वो उनकी टी शर्ट के अंदर हाथ डाल के छाती पे हाथ रख देता था, और एक ने नहीं आधी दर्जन लड़कियों ने इल्जाम लगाया। कहां गए थे जेपी नड्डा? मुंह में दही जमी हुई थी। कहां गए थे अमित शाह साहब? और अब उन्हीं के बेटे को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक के देखे, और जिस तरीके से ऊपर से नीचे तक पुलिस के आला अफसर इस केस के अंदर लग गए हैं और दिन रात झूठ मीडिया को दे रहे हैं, साफ दिख रहा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस मामले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और लोग भी ये देख पा रहे हैं और लोग हंस रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि कोई भी ऐसा यूटर्न ले सके, पहले उन्होंने कहा कि करप्शन नहीं करूंगा, फिर करप्शन के मामले में जेल जाना पड़ा, और अभी तो एक मामला सामने है, 7 मामले हैं करप्शन की जो खुलने बाकी है। देखिए, एजेंसी इनकी, मामले इनके बनाए हुए, गवाह इनके लोग, इस तरीके के दर्जनों मामले क्या सैकड़ों मामले बन सकते हैं? उसमें क्या बड़ी बात है? आप मामले बनाते रहिए, मगर समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी की, दिन रात झूठ की फैक्ट्री के अंदर मामले बनाने के बावजूद भी
देश के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े। अगर ये लोग चुनाव जीत रहे होते तो इतना बौखलाए ना घूम रहे होते। जो चुनाव जीत रहा होता है ना, वो आगे के वादे कर रहा होता कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारी सरकार आ रही है, तो बौखलाहट है कि आज अरविंद केजरीवाल पे ये मुकदमा डाल दो, आज आम आदमी पार्टी पे यहाँ छापा मार दो, आज आम आदमी पार्टी पे एक और मुकदमा डाल दो। ये सब डेस्परेशन है, ये सब बौखलाहट की निशानी है। जो भी लोग दूर से बैठ के सब देख रहे हैं, उनको सब समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी पे इतने हमले क्यों बढ़ गए हैं। जो गृह मंत्री ने जो कल जाने के लिए उन्होंने इंडिया ब्लॉक पर कांग्रेस पार्टी को निशाने को लिया, पाकिस्तान और पीओके के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब दे रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के लोग हैं जो ये कहते हैं कि पीओके की बात मत करो, एटम बम फट जाएगा। देखिए, हमने तो मुख्यमंत्री जी से पूछा गया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अग्निवीर की योजना को खत्म करेंगे, उन बच्चों को परमानेंट नौकरी देंगे फौज के अंदर, और चीन के पास जो 4000 किलोमीटर की भारत की जमीन पिछले कुछ सालों में उन्होंने हथियाई है वो वापस लेंगे। तो उन्होंने बोला पीओके, तो बोले पीओके भी वापस लेंगे। मैं सोच रहा हूं कि अमित शाह जो हैं, देश के गृह मंत्री हैं, वो पीओके के बारे में तो बात कर रहे हैं, मगर चीन के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? हम तो दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। चीन ने जो 4000 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है, उसके बारे में ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना अमित शाह बोल रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हमने वो जमीन दे दी परमानेंटली चीन को?